एवरीवन गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज ना जिम्मी सो के हम लोग सो के उठे हैं, तो देखिए सब कोई नहीं उठना चाहता मॉर्निंग में, काकि सबको उठने में बहुत आसकत लगती है, काकि ठंडा अभी ज़्यादा है जिसकी वजह से। तो ये घूंघट तान के कनिया इस तरह से बैठी हुई है, देखिए, और बैठी हुई है लेकिन बेड पर से हट नहीं रही है। और हम लोग क्या किए ना कि सुबह उठ गए तो नहा वहा के रेडी हो गए हैं, स्नान आदि ख़त्म हो गया, उसके बाद कपड़ा उपड़ा पसार दिए, बाहर का हल्का हल्का धूप का लालिमा दिखने लगा है, तो कपड़ों पर बाहर पसार दिए हैं, पसार करके। और जो होता है ना कि अभी फ़िलहाल ये होता है कि आप ज़्यादा कपड़ा तो भिंगा नहीं पाते, क्योंकि धूप उगने का गारंटी नहीं रहता है, जिसके वजह से। फिर मेरा ये सब कंप्लीट हो गया तो फिर हम पूजा कर लिए, पूजा करके ये सब मॉर्निंग का काम है, मॉर्निंग का पूजा वूजा ख़त्म हो गया। उसके बाद हम मनोज जी घर से निकले दुकान के लिए, जब दुकान के लिए गए तो देखे कि साग बिक रहा था खेसारी का, तो हम लोग ना पूरे सीजन में साग खरीदे ही नहीं थे, तो हमने साग खरीद लिया आधा केजी खेसारी का, बहुत अच्छा साग था। उसके बाद जब साग खरीद लिए ना, तो जिम्मी के पापा बोले कि अब इसमें सरसों और बत्थू तो पड़ना चाहिए, तो हम लोग बाहर निकले सरसों तोड़ने के लिए। तो सरसों तोड़ने से पहले देखिए, आप देख लीजिए बाहर में बच्चा लोग कैसे पानी में खेल रहा, हल्का सा धूप उगा है, तो बताइए इसकी माँ देखेगी तो कितना पीटेगी इसको। उसके बाद जिम्मी गया पॉटी करने के लिए, जिम्मी के पापा निरीक्षण करके पूरा आ गए कि कहाँ कहाँ जाना है साग तोड़ने के लिए, जिम्मी को लेके घुमाए पूरा, घूम के पक्का होके आए कि साग तोड़ने चलना कहाँ है और कहाँ मिलेगा साग यानी सरसों का। और ये 7 साल में पहली बार मेरे साथ हो रहा है कि हम साग सरसों का साग लाने जा रहे हैं, सरसों का पत्ता जो साग में पड़ेगा। तो हम मनोज जी निकले, तो जहाँ पर मनोज जी निरीक्षण करके आए थे कि यहाँ से तोड़ना है, वहाँ गए तो वहाँ सरसों भी और पीला सरसों और काला सरसों दोनों का पेड़ था, लेकिन काला सरसों में पत्ता बड़ा बड़ा था, पीला सरसों का पत्ता अच्छा नहीं था, तो हम थोड़ा थोड़ा करके काला सरसों का लिए। और एक बात पता है हकीकत में, सरसों का तो पत्ता जो तोड़े सो तोड़े सबसे ज़्यादा वीडियो बनवाए वहाँ पर, वो ना जो आ जा रहा था सभी का नज़र पड़ते करते कि मैया देखो सरसों का साग तोड़ते हुए फोटो खिंचवा रही है, वीडियो बनवा रही है मैडम, बहुत ख़राब लग रहा था और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन क्या करें भाई, मजबूरी है तो फोटो वीडियो। जब भी घर से बाहर निकल के आप कैमरा पकड़ोगे ना, लोग बहुत हंसते हैं, बहुत ख़राब लगता है, लेकिन क्या करें, ये मेरा वर्क है, मेरा काम है, तो हमें तो करना पड़ेगा ना। तो हमने बहुत सारा वहाँ पर शूट करवाया, और जब तक साग टूटे तब तक आप लोग को एक चीज़ और बताना चाहेंगे, साग तोड़ के जब ये चले आए तो बत्थू लेने मनोज जी को भेजे, तो मनोज जी ना देखे कि 10 रुपया मुट्ठा दे रहा है बत्थू का, लेके आए खरीद के, बहुत बेकार एकदम घटिया था। मम्मी को बोले कि साग बत्थू अच्छा नहीं है, आप दूसरा बत्थू ला करके दो। तो फिर ये गए दोबारा, फिर 14 रुपया का मुट्ठा लाए, इतना खूबसूरत बत्थू था, ताज़ा ताज़ा एकदम बत्थू था। आते समय मनोज जी इस तरह से वीडियो बनाए ना, हमें बहुत अच्छा लगा, थोड़ा सा तो आप पहले से मतलब कोशिश किए हैं बनाने का। फिर घर आए, सारा बत्थू सारा साग सरसों में थोड़ा बहुत, खेसारी में थोड़ा बहुत फूल हो गया था, उसको भी तोड़ के हटाए, सारा साग बीन लिए, बीन करके ये सब दुकान पर ही कर लिए, क्योंकि घर पे मौका नहीं मिलता, तो ये सब दुकान पर ही कर लिए। अब घर चल के साग बनेगा और आप लोग भी साग खाना, ओके। और जब हम लोग साग बना ही रहे थे तब तक साग चढ़ा हुआ था, तो हम लोग को ध्यान आया कि हमें पार्टी में भी जाना है, तो फिर हम लोग क्या किया, साग बना के रख दिए। उसके बाद हम लोग गए गिफ्ट लाने के लिए, गिफ्ट लेके आए तो लगा कि खुद से पैक कर लेते हैं, तो गिफ्ट हमने खुद से पैक कर लिया और पैक करके और चले पार्टी में। और अब तो साग तो मेरा धरा रह गया, उसी तरह से पार्टी में गए, फिर देखे अरे पहले क्या खाए, बहुत सारा आइटम था, हमने पहले लिट्टी लिया दो और चोखा लिया, लिट्टी चोखा खाया, उसके बाद हमने 2 प्लेट चाट खाया, उसके बाद चले खाना के स्टॉल के पास, बहुत भीड़ लगी हुई थी, जैसे तैसे खाना लिए। और उसके बाद ये बच्ची भी आई थी, मेरे बगल की बच्ची है, ये भी पार्टी में आई थी, खा तो कुछ सकती नहीं, कहा कि 2 महीने की है मात्र। उसके बाद सारे टीम बैठ करके एकदम सब जम के खाया एकदम पार्टी में, बहुत ज़्यादा मतलब खूब, ठंडा का टाइम था और सब मज़े में खूब खाया सभी लोग, ठीक है, हम लोग भी खाए। और जिम्मी के लिए जैसे तैसे उसी में से एक रसगुल्ला उठाए, जिम्मी के लेके घर आए। और आप लोगों को बताना चाहेंगे कि साग मेरा धरा हुआ रह गया, इसी तरह से हम लोग का पार्टी में ही काम हो गया। तो आप ये जो पार्टी होती है ना, ठंड के मौसम का पार्टी होती है ना, वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय आप सभी से।